क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले ये भाई, छोड़ो, डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो गाइज अभी शाम के बज चुके हैं 6:30, और 6:30 बजे अभी प्लान है, काफ़ी दिनों से धनगढ़ी की साइट नहीं गया हूँ, वाइल्ड एनिमल्स से बाई फेस जाकर नहीं मिला हूँ, और आज थोड़ी समय मिल रहा है कि थोड़ी धनगढ़ी साइट तक जाया जाए। और अभी कुछ देर पहले बारिश भी हुई थी, तो अभी बारिश होने से हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ जंगल से निकल कर आ गई हो, और हो सकता है अभी इवनिंग समय में हमें अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ की साइटिंग देखने को मिल जाए। सो अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अभी थोड़ी धनगढ़ी की तरफ, और देखते हैं अभी शाम का ये सुंदर सा नज़ारा और वाइल्ड लाइफ का। तो उम्मीद है कि आप जरूर कंटेंट में बने रहेंगे, साथ ही अगर आप चैनल पर हैं नए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपना एक प्यारा सा कमेंट गाइस जरूर करें। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी कुछ देर पहले इस जगह पे हुई थी बारिश, और बारिश से हो चुका है कुछ इस तरह का तालाब इस जगह पर, इकट्ठा पानी देख रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें। और सामने अभी फिर से निकल कर आ चुकी है धूप, ये देखिए आपको थोड़ी धूप दिखाई दे रही है इस जगह पर, और इस तरफ फॉरेस्ट की तरफ अंधेरा सा, बट सामने इस तरफ काफ़ी प्यारी धूप निकल कर आ चुकी है। सो अभी कुछ देर बाद चलेंगे थोड़ी गांव के आउटसाइड में, या हो सकता है ऊपर धनगढ़ी की तरफ, क्योंकि शाम का समय अभी कुछ देर बाद हो जाएगा, और फिर बारिश नहीं हुई तो एनिमल्स की साइटिंग के चांस हो जाएंगे गाइस। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, दो या तीन बारिश के बाद हरा भरा होने लगा है, और अच्छी खासी इस जगह पे हरियाली देखने को मिल रही है, देख रहे हैं सामने फॉरेस्ट में इस तरफ पूरी तरह से हरा भरा हो गया है, पेड़ों में एकदम हरे भरे पत्ते आ चुके हैं, और घर के पास में अभी जो हमने ये हैज लगाई थी इसमें भी थोड़ी हरापन आने लगा है। नहीं तो एक बार तो ऐसे लग रहा था कि शायद ये पेड़ अभी फिर से उग पाए, क्योंकि ये सारे पेड़ मुरझाने लगे थे, और घर का जो नल था गाइस वो भी हो गया था ख़राब, जिस वजह से पानी की काफ़ी दिक्कतें हम लोगों को भी सहनी पड़ी थी, और पेड़ पौधों को तो फिर दिक्कतें थी ही थी। सो ये चीज़ें हैं अभी, और सामने ये बैठी है बुलबुल, देख रहे हैं अपने आप को झाड़ दिए पंखों को, क्योंकि ये भी भीगी हुई है, ये देखिए। ये फाइनली उड़ चुकी है, तो चलो अभी तो जा रहा हूँ घर, और फिर देखते हैं थोड़ी देर में कहाँ निकलना होता है। तो फाइनली गाइज अभी घर से तो निकल चुके हैं धनगढ़ी की तरफ, और देखते हैं अभी शाम का ये प्यारा सा नज़ारा, और वाइल्ड लाइफ को देखने की पूरी कोशिश होगी।
बाकी गाइस किस्मत पे डिपेंड करता है कि वाइल्ड लाइफ अभी देखने को मिलती है या नहीं। बाकी काफी सुंदर सा नजारा, अभी है क्या कि बारिश हो जाने के बाद ना थोड़ी मौसम एकदम धुंध सा हो गया है। सामने आप देख पा रहे होंगे पहाड़ी की तरफ हल्की सी ये फॉग जो एक उमस बनकर निकल कर आई है अभी पहाड़ों से। थोड़ी धुआं सा लग रहा है इस जगह पर और कंस्ट्रक्शन वर्क अभी पूरी तरह से है स्टॉप, क्योंकि बारिश में कंस्ट्रक्शन का किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा था और फिर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे। इस तरफ भी अभी पूरी तरह से खाली है, वाइल्ड लाइफ नहीं निकल कर आई इस साइड से भी। ये पनौत का बड़ा नाला है और अभी धनगढ़ी की तरफ आगे कंटिन्यू चल रहे हैं हम लोग और देखते हैं आगे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है जिस जगह पे हमें वो सभी एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं जो जिम कॉर्बेट में हैं। और अभी तो अच्छी खासी हरियाली इस जगह पे हो चुकी है तो फूड की कमी अभी बिल्कुल भी एनिमल्स के लिए नहीं है। बट हाँ थोड़ा बहुत पानी की कमी जो है गाइस वो कुछ इस तरह से ये पानी के तालाब बन रहे हैं, अभी जंगलों में भी बन रहे होंगे तो इस तरह से पानी भी अभी वाइल्ड लाइफ को अवेलेबल हो जाएगा जंगलों में ही। फिर भी अभी कुछ समय है गर्मी का जो अभी पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट हाँ आज से लगने लगा है कि अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो इस तरफ जो नया प्लांटेशन किया गया था इस जगह पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हो चुके हैं। काफ़ी दूर सामने की तरफ स्पॉटेड डियर भी हैं इस जगह पर, बट काफ़ी दूर हैं अभी ये। और कुछ इस तरफ सड़कों के किनारे फिल कर दिए गए खड्डे हो रहे थे, मगर है क्या कि सामने अभी और ज़्यादा खड्डे हो चुके हैं। अगर गाड़ी इस जगह पे ढंग से नहीं चलाई जाए ना तो उस खड्डे में डायरेक्टली गाड़ी चली जाएगी और नुकसान भी हो जाएगा। सो इस जगह पे गाड़ी भी आप संभल कर चलाएं, सड़कों से बिल्कुल गाड़ी नीचे ना उतारें, हो सकता है कि आप किसी खड्डे में चले जाएं अपनी गाड़ी को लेकर। बाकी गाइज आप जरूर बताइएगा बारिश के बाद का मौसम आपको किस तरह का लग रहा है। अभी कुछ इस तरह का मौसम है, बर्ड्स की काफी ज्यादा साउंड हो रही है इस जगह पे, क्योंकि बारिश सभी के लिए एकदम खुशियों के पल लेकर आई है, जंगली जानवरों के लिए, जमीन के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि सभी को अभी बारिश की जरूरत थी। और क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा हो रही थी, जगह जगह पे जमीन पे जो घास थी वो भी सूखने लगी थी, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन होने लगा है। और एनिमल्स को जो जंगलों में पानी के स्रोत थे गाइस वो भी कम हो गए थे, बट अभी चांस है कि आप जंगलों में पानी के स्रोत फिर
फिर से बनकर आएंगे और पानी भरपूर मात्रा में जंगलों में वाइल्ड लाइफ को मिल जाएगा। सो कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं अभी बंदर इस जगह पे। अभी निकल कर तो कुछ भी नहीं आया इस जगह पर। सामने इस जगह पर पिकॉक है, सामने इस पेड़ पे देख रहे ये पिकॉक बैठा हुआ है। देख रहे हैं ग्रास किस तरह की हो रही है। अब फूड बिल्कुल भी कम नहीं है जिम कॉर्बेट में। सावर डियर, स्पॉटेड डियर, बार्गिंग डियर, जितने भी डियर्स हैं या अदर जितने भी शाकाहारी एनिमल्स हैं तो उन लोगों को अभी इस जगह पे फूड की बिल्कुल भी कमी नहीं। और ठीक उसी तरह से मांसाहारी जितने भी हैं उन लोगों के लिए भी इस जगह पे फूड की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सामने साइन बोर्ड आप चेक कर सकते हैं स्लो ड्राइव, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है गाइस। इस जगह पे आराम से चलेंगे तो आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। सो सामने अभी देखिए पूरा का पूरा सांवर डियर का झुंड इस जगह पे मिल गया है और इनके साथ में स्पॉटेड डियर भी। तो अभी आपको दिखाते हैं इन्हें और अच्छे से। ये देखिए इस जगह पर स्पॉटेड डियर, सांवर डियर सभी हैं। देख रहे हैं ये सांवर डियर हैं, काफी सारे हैं। और साथ में इन्हीं के इस जगह पर अंदर की तरफ है स्पॉटेड डियर। बट इस जगह पे है क्या कि जब लोग हॉर्न मारते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि आप अगर जंगल सफारी में आ रहे हैं साइट सीन के लिए आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में हैं तो आपको बिल्कुल भी इस जगह पे हॉर्न नहीं मारना चाहिए। और हो सके तो साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग, सामने इस जगह पे साइन बोर्ड था तो उसके अकॉर्डिंग साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एनिमल्स कॉरिडोर है और इस जगह पर आपकी जो गाड़ी है वो एक लिमिटेड स्पीड में होनी चाहिए। लिमिट के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपके पास इस जगह पे हो और आसान हो आपको भी चलने में और एनिमल्स को भी इस जगह से इस सड़क को क्रॉस करने में। तो ये चीज़ें हैं। तो थोड़ी अभी ये तो जाने लगे जंगल की तरफ, अभी थोड़ी देर में निकल कर आएंगे तो थोड़ी इनका इंतज़ार करेंगे। तो अभी चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ गाइस। फाइनली अभी पीछे की तरफ हमें देखने को मिल गए थे सांवर डियर और स्पॉटेड डियर भी है। बाकी देखो आप थोड़ी आगे चल रहे हैं, हो सके तो हमें आगे भी और अच्छी साइटिंग हो एनिमल्स की, जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों को दिखाई जाएंगी। और बाकी अभी करते हैं फोन का बैक कैमरा ऑन और देखते हैं अभी सामने का नज़ारा गाइस। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी धनगढ़ी के पास का। और अभी है क्या कि जो ढिकाला जोन की सफारी है गाइस वो तो 15 जून से हो चुकी है बंद और अभी ढिकाला जोन पूरी तरह से हो चुका है बंद, क्योंकि इस जगह पे अभी जो ये बरसात का टाइम है ना तो इस समय में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, जैसे कि जंगलों में जो सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस होती है, बाकी इनके जो रेस्ट हाउस हैं उन्हें ठीक किया जाता है, रास्ते ठीक किए जाते हैं, कई चीज़ें हैं जो सही की जाती हैं इस बीच में। और फिर रेनी सीजन जो है तो इस बीच में काफ़ी सारे बरसाती नाले इतने खतरनाक आते हैं कि उन नालों को पार करके आगे जंगल सफारी का लुत्फ उठा पाना हो जाता है काफ़ी कठिन, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही एकदम रिस्की हो जाता है।
और एक रीजन ये भी है कि अगर बरसात में जंगल सफारी इस जगह पे करी भी जाए तो अगर मानो कोई नाला आ गया, बरसाती नाला, उस बीच में अगर आप फंस गए तो आपको पता है कि जिम कॉर्बेट में अभी वाइल्ड लाइफ हद से ज्यादा है। अगर टाइगर्स के नंबर्स की बात करें तो 500 से ऊपर है, वो भी कोर एरिया में। बफर एरिया में कितने हैं अभी, कितने एक्टिव हैं, उसका तो कंफर्म है नहीं, मगर देखा जाए तो बफर एरिया में भी 150 से 200 टाइगर की मूवमेंट है। बट जब कोर एरिया में इतने ज़्यादा टाइगर हैं और काफ़ी सारे एनिमल्स हैं तो फिर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो पाता है उस जगह पे रेनी सीजन में सफारी का लुत्फ उठा पाना। तो सामने ये धनगढ़ी नाले से ग्रासलैंड का नज़ारा, काफ़ी प्यारा ग्रासलैंड हो चुका है ये, अभी काफ़ी हरा भरा। और सामने कुछ इस तरह से अभी धनगढ़ी की ये जगह है, देख रहे हैं, देख के आ रहा हूं। बारिश से कुछ ऐसा हाल हो गया धनगढ़ी नाले का, और इस बरसात में भी धनगढ़ी नाले पे पुल नहीं बनी है, कुछ ये पिलर उठे हुए हैं अभी इतनी हाइट पर। और इस बरसात में पता नहीं क्या नया रूप दिखाता है ये धनगढ़ी नाला, वो तो आने वाले कुछ महीनों में हमें देखने को मिलेगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं धनगढ़ी नाले पे थोड़ी पानी चलने लगा है। तो अभी प्लान हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ी जीरो पॉइंट तक, और जीरो पॉइंट तक की ये ड्राइव होने वाली है अभी इवनिंग में हमारी। बाकी देखो इस तरफ भी जंगल की साइटिंग में कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये जगह एलिफेंट की एकदम डेंजर लोकेशन वाली जगह है, एलिफेंट की मूवमेंट भी इस जगह पे देखी जाती है, और फिर डीएस तो जगह जगह पे होते ही है। सामने इस तरफ भी है स्पॉटेड डियर, ये देखे इस बेर के पेड़ के नीचे काफी सारे स्पॉटेड डियर है, बट थोड़ी दूरी पर है इसलिए रुके नहीं हम लोग, थोड़ी आगे चल रहे हैं, आते समय रुकेंगे और अभी थोड़ी चलते हैं कंटिन्यूसली आगे की तरफ।